हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष गैजेट। गाइस, अभी कुछ ही देर पहले मैंने सालार मूवी से रिलेटेड एक वीडियो देखा जो कि मुझे सजेस्ट किया गया है आदित्य भैया की तरफ से, जो कि मेरे सब्सक्राइबर भी और प्रभास अन्ना सर के काफी तगड़े डाय हार्ड फैन है। और उन्होंने सजेस्ट करते हुए कहा है कि हर्ष भाई, इन हेटर्स का क्या सीन है और इस तरह से कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट कर रहे हैं, डंकी वार से सालार को इतना हेट क्यों कर रहे हैं। ये लोग जो है भाई, डंकी को अच्छा बोल देते हैं, सालार के बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं कि ये प्रीपोन्ड हो रही है, पोस्टपोन्ड हो रही है, मूवी की टीम पता नहीं पागल हो गई है, इसे पोस्टपोन्ड कर देना चाहिए, डंकी के आगे नहीं चलने वाली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये भी कहा है कि हर्ष भाई, ये अगर मूवियां दोनों रिलीज होती, दोनों मूवी क्लैश कर रही हैं, तो भाई मूवियों को क्या नुकसान होने वाला है, डायरेक्टर लोगों को क्या नुकसान होने वाला है। तो अगर आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो बिल्कुल आप हमारे साथ शेयर कर दें और एक्वामैन का भी कुछ बता दें। तो गाइज, मैं आप लोगों को कंप्लीटली बताने वाला हूं क्लैश का क्या सीन होने वाला है, सालार सीज़ फायर पार्ट 1 पोस्टपोन्ड हो रही है या नहीं हो रही है, प्रीपोन्ड हो रही है या नहीं हो रही है। लेकिन उससे पहले, अगर आप प्रभास अन्ना सर के डाई हार्ट फैन है तो वीडियो को लाइक कर लें यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं। किसके लिए? आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं। गाइस, सभी को पता है 2023 साल नहीं सालार होने वाला है और दिसंबर मंथ भाई सालार वार से डोंकी होने वाला है। और इसी मंथ में, यानी कि दिसंबर मंथ में भाई सब काफी लोगों के डाउट क्लियर होने वाले हैं और ये चीज क्लियर होने वाली है कि इंडियन सिनेमा में ऐसे कुछ डायरेक्टर भी हैं और ऐसे स्टारडम किंग अपने प्रभास अन्ना सर भी है जो कि अच्छे अच्छों का बोलती बंद कर देते हैं। तो गाइज, अब जो आदित्य भैया ने बोला है कि भाई साहब, तीन सरा जो क्लैश में एंट्री होने वाले जो बीच में फंस गए हैं वो एक्वामैन फंस गए। और भाई साहब, जो मैंने वीडियो देखा है वो BST रिव्यू भाई का देखा, जो कि बहुत प्यारा सा चमकीला छूतिया सा है और मुझे ये चीज समझ नहीं आता है, वो व्यक्ति अपने को प्रभास अन्ना सर का डाई हार्ट फैन भी बोलता है, शाहरुख खान का भी डाई हार्ट फैन बोलता है, लेकिन गाइस मुझे एक्चुअल में ये समझ नहीं आता कि अगर आप सालार मूवी पे बात करें तो ओनली सालार पे बात करो ना, आप डंकी को बीच में क्यों ले आ गए, उसी के साथ साथ डंकी को इतना बेस्ट क्यों बोलते हैं, सालार को इतना नीचे क्यों दिखाते हैं बातों बातों में। तो गाइज, मैं आप लोगों को बता देता हूं। हाँ, तो गाइज, जो डंकी मूवी की ऑफिशियल रिलीजिंग डेट है वो 21 दिसंबर की है, वहीं सालार सीज़ फायर पार्ट 1 की जो है 22 दिसंबर की है। तो भाई BST भैया ने ये कहा है कि मूवी की टीम को इसे पोस्टपोन्ड कर देना चाहिए या फिर प्रीपोन्ड कर देना चाहिए। वो प्रीपोन्ड इसलिए कर देना चाहिए, एक तो भाई अपने किंग खान यानी कि शाहरुख खान सर की डंकी आ रही है, उसी के साथ साथ ओवरसीज में डंकी मूवी को भी रिलीज किया जा रहा है इंग्लिश लैंग्वेज में, और कहा जा रहा है इंग्लिश लैंग्वेज काफी तगड़ा होने वाला है, और राजकुमार हिरानी सर की मूवी है तो भाई सब छोटी मोटी मूवी नहीं होने वाली है। आफ्टर दैट, उसी के साथ साथ अपनी द एक्वामैन भी भाई सब क्लैश का हिस्सा बन गई है, जो कि बीच में घुस गई है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं भाई, सालार मूवी के पास, सालार मूवी की टीम के पास, डायरेक्टर प्रशांत नील सर के पास कुछ तो ऐसी चीज होगी, कुछ तो उन्होंने सालार मूवी के लिए ऐसा कुछ बचा कर रखा होगा, प्रभास अन्ना सर के लिए कुछ ऐसा बचा कर रखा होगा, तभी तो वो नहीं घबरा रहे भाई। मूवियां हैं, मूवियों के डायरेक्टरों का रिस्क है, तो आप इतना क्यों रिस्क ले रहे, आप इतना क्यों सोच रहे हैं कि प्रीपोन कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए, तो भाई आप क्यों नर्वस हो रहे हैं। तो मूवी की टीम जब नर्वस नहीं हो रही तो आप क्यों हो रहे हैं भाई, BST भैया मैं आपको बोल रहा हूं। और रही बात एक्वामैन की, तो गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूं, उन्होंने ये भी कहा है, BST रिव्यू भैया ने ये भी कहा है कि भाई साहब, वहां IMAX में भी रिलीज होना है, 4K वर्तमान इन कौन कौन सी चीजों में रिलीज होना है। तो भैया, अपने सालार मूवी भी तो IMAX में रिलीज हो रही है, और उसी के साथ साथ आज से 2 महीने पहले कंफर्म कर दिया गया है USA यानी कि प्रत्यंगिरी सिनेमाज ने ऑफिशियली लेवल पे कर दिया है कि 2000+ लोकेशन पे इसे मतलब कि रिलीज करना है। तो भाई साहब, छोटी मोटी लोकेशन नहीं है। और अब यार, मैं एक चीज मुझे ये समझ नहीं आती कि वहां के थिएटर आपके पाकिस्तान के थिएटर जैसे थोड़ी ना है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो आदित्य भैया ने बोला है कि भाई मतलब कि BST रिव्यू को इतना बुरा क्यों लग रहा है, ये क्लैश के लिए प्रीपोन्ड के लिए क्यों बोल रहे, तो मैं आप लोगों का उसका छोटा सा लॉजिक बता देता हूं। पहले लॉजिकल बात यहां पर यह आती है कि 21 दिसंबर को अपनी डंकी रिलीज होनी है, ओके, तो वहां पर क्या सिनेरियो होने वाला, अब इनके पाकिस्तान में मूवियां रिलीज नहीं हो रही है, सॉरी अगर किसी को बुरा लगता है तो मुझे माफ करिएगा, पाकिस्तान में इस मूवी को रिलीज नहीं होना है, तो भाई ये बंदा पिक्चर देख भी लेगा और रिव्यू भी दे देगा जिस पर उसको 5,00,000+ व्यूज भी आ जाएंगे। आफ्टर दैट भाई सब, दूसरे दिन यानी कि 22 दिसंबर को सालार सीज़ फायर पार्ट 1 लगना है, तो ये जो चाह रहे हैं कि प्रीपोन्ड हो जाए तो पहले मैं सालार पे काम कर लूं, आफ्टर दैट भाई सब डंकी पर काम कर लूं, फिर एक्वामैन पर काम कर लूं, और
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जब पाकिस्तान में पिक्चर लग नहीं रही है तुम उसे वॉच भी कर रहे हो, उसे रिव्यू भी दे रहे, तो एक्चुअल में चल क्या रहा है? मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही है। आज हम कोई भी पिक्चर देखते हो भाई साहब तभी हम उस चीज का रिव्यू देते हैं, और जिस पिक्चर को मैं नहीं देखता भाई साहब मैं उस चीज का रिव्यू भी नहीं देता, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस नहीं किया है तो भाई साहब मैं उसका रिव्यू कैसे दे देता हूं? तो वो चीज मुझे नहीं होती और मैं भाई झूठ झाट नहीं बोलता। अब इनका काम क्या है, पब्लिक रिव्यू देख लिया, कुछ प्यारी से हिंट देख लिया और बोल देंगे कि स्पॉइल नहीं करना है, और भाई रही बात सालार की तो सालार की सारी चीजों को स्पॉइल कर देना है और डंकी मूवी को बताना है कि भाई साहब मैं कुछ स्पॉइल नहीं कर रहा हूं, आपको थिएटर में जाकर देखना होगा, मैं छोटा मोटा हिंट शेयर कर देता हूं। ये मेरा नहीं बोल रहा हूं भाई साहब, मैं बीएसटी रिव्यू का बोल रहा हूं। तो गाइस घबराने की कोई बात नहीं है, डायरेक्टर प्रशांत नील सर भाई साहब ईगो हर्ट हो गया, लिटरली गाइस उनका ईगो हर्ट हो गया और अब वो अच्छे अच्छे लोगों का ईगो हर्ट करने वाले हैं, यानी कि डंकी मूवी को भी तबाह करके रखने वाले हैं, द एक्वामैन को भी तबाह करने। और गाइस ये मेरे ओपिनियन थे, क्योंकि भाई आदित्य भैया ने मेरे ओपिनियन मांगे थे कि क्या चल रहा है क्लैश का, क्या चल रहा है, तो गाइस ये मेरे ओपिनियन है, कोई भी 1% का हेट नहीं है, बस बुरा इस बात का लग रहा है कि भाई जब जब भी प्रभास अन्ना की बारी आती है, सालार मूवी की बारी आती है, तो भाई सब हेट क्यों फैलाने लग जाते हैं? भाई सभी अपनी मूवियां हैं तो एंजॉय करना है। अब भाई तुम सेपरेटली सेल्फीज वाला सीन क्रिएट कर रहे हो कि भाई सब हमें दोनों मूवी पे रिव्यू देने हैं और 1-2 मिलियन व्यूज मिल जाएंगे तो हमारा रिवेन्यू काफी अच्छा जनरेट हो जाएगा। वैसे गाइस आप लोग हमें बताएं, प्रभास अन्ना सर के फैन बताएं, सालार सीज फायर पार्ट 1 के फैन बताएं कि मेरी बातों में आपको कितना सच लगता है कितना झूठ लगता है, और आपके क्या ओपिनियन है सालार के प्रीपोन्ड पोस्टपोन्ड के बारे में, जहां पर अपनी द एक्वामैन भी घुस गई और डंकी मूवी भी घुस गई, क्या लगता है अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और माफ कीजिएगा अगर किसी को भी किसी प्रकार का हेट लगाओ तो चीज के लिए माफ कीजिएगा, अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।